क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एग्ज़ाम में सिर्फ 1 घंटा बाकी है, स्कूल भी जाना है, तैयार भी होना है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। पिंटू क्या सोचेगा, चिंदी क्या सोचेगा, मोको क्या सोचेगा, क्या करूं क्या करूं। नहीं, संदीप महेश्वरी सर ने कहा था कभी हार मत मानना, मैं भी हार नहीं मानूंगा। ओके, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका है और मैं इस मौके को छोड़ूंगा नहीं, मैं पास होकर दिखाऊंगा। लेकिन कैसे? हाँ, गूगल से पूछते हैं। ओके गूगल, बिना पढ़े एग्ज़ाम में पास कैसे हो सकते हैं? नहीं, अब सर्च कर ही रहा हूँ तो फिर मैं, बिना पढ़े एग्ज़ाम में टॉप कैसे कर सकते हैं? लाल रंग के चड्डियों पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आप पहनेंगे ऐसा, आप बन जाएंगे क्लास के टॉपर। तो यार चलो इसी बात पे लेट्स डू दिस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डरावने सपने के बारे में जिससे कि मानव प्रजाति के 90% लोगों को इस चमगादड़ की टट्टी से होने वाले वायरस से भी ज्यादा खतरा है। जी नहीं, मैं सैनिटाइजर को दारू समझकर पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्स की। एग्जाम्स एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम है जिस पर कि पैदा होने से पहले हर एक इंसान के साइन लिए जाते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि देखो बेटे, बहुत ज्यादा आरामदायक जिंदगी जियोगे तो तुम्हारी अगली जनरेशन दरियाई घोड़ों जैसी पैदा होगी, कतई पड़े पड़े बस नाभि में उंगली डाल के हिलाते रहोगे क्या दांत। और बेटे ऐसी बकचोदी हम होने नहीं देंगे, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में हर साल तुम्हारे स्कूल के टीचरों द्वारा साल भर में जितनी बार वो चाहे, मतलब कि उनके स्वादानुसार, वो लोग तुम्हारे हाथ बांधकर तुम्हारे पजामे का नाड़ा खोल देंगे, या सरल भाषा में कहूँ तो एग्जाम्स लेंगे। अब एग्जाम्स बिल्कुल खाना खाते समय देखे जाने वाले सीरियल्स की तरह है। 150 साल के माँ बाबूजी के पोता पोती को टाटा के ट्रक में माथा देकर मरते हुए देखने का किसी को शौक नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे। अब एग्जाम शुरू होने से पहले जब तुम्हें डेट शीट मिलती है, शोक तभी से शुरू हो जाता है। कोई जियान जैसा बुद्धिजीवी है जिसे कि SST के पेपर में सिर्फ 2 दिन मिलने का दुख है, क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो उसकी मम्मी मोको कुत्ते को अपना बेटा बनाकर इस जियान को पट्टे से बांध देगी। और दूसरी तरफ नोबिता जैसा नल्ला पाव है जिसको इस बात का दुख है कि SC ST कोई सब्जेक्ट भी है, जैसे मलयालम और उर्दू को साथ में बोलने से कोई मुर्दू नहीं बन जाता। वैसे ही इंग्लिश की मूवीज बिना सबटाइटल के देखने से कोई इंग्लिश का डेकी सूगी नहीं बन जाता। इंग्लिश के पेपर को तो सोने से पहले ब्रश करने से भी ज्यादा इग्नोर किया जाता है, और इसका नतीजा कि वो इंग्लिश वाली मैडम भी तुम्हारे 2.5 पेज के आंसर को ऐसे इग्नोर कर देती है। और यहाँ पर तुम DRS भी नहीं ले सकते, क्योंकि इंग्लिश वाली मैडम भी लाइक मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स और मैं खुद ही एम्पायर। अब एग्जाम्स हम सबने दिए हैं, इसका मतलब चीटिंग भी हम सबने की है, क्योंकि चीटिंग के बिना एग्जाम्स और जानवरों के बिना बिग बॉस कति हो ही नहीं सकते। लेकिन चीटिंग में ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? ऊपर नीचे आगे पीछे वाले बच्चों से पूछा होगा, या फिर टॉयलेट के बहाने बाहर जाकर किताब पढ़ ली होगी, या फिर उससे भी ज्यादा चड्डी में पर्चियां डाल ली होगी, या फिर किसी ज्ञानी बच्चे से कॉपियां एक्सचेंज कर ली होगी, और उससे भी ज्यादा टीचर से आंसर पूछ लिए होंगे। लेकिन एक बात बताऊं, ये सब अगर तुम किसी बिहार वाले बाबू को बताओगे ना, तो वो पता है क्या बोलेगा? बेटा बिहार में बंदों को इस बात की कतई टेंशन नहीं है कि उस दिन एग्जाम्स में पास कैसे होना है, उन्हें इस बात की टेंशन है कि एग्जाम देते वक्त उनका बिहारी बिग बॉस का एपिसोड छूट जाएगा। बिहार में तो चीटिंग एक बहुत ही फेमस जॉब है जिसके लिए इन्हें सैलरी और सर्टिफिकेट दोनों थाली में सजा कर दिए जाते हैं। बच्चे कतई एग्जाम में बैठे बिना ही टॉप कर रहे हैं। चीटिंग करना बच्चों के दिल दिमाग जांघों घुटनों गुर्दों में तक फैला हुआ है। साले ब्लड टेस्ट में भी चीटिंग करते हैं। हमारे यहाँ पर एग्जाम से पहले दही शक्कर खिलाया जाता है, और एग्जाम देने पहुंचो तो चिंदी दोस्त भी डराते हैं। बेटी पेपर हार्ड आने वाला है, अनिल चेक करेगा, फेल मत हो जाइयो। और बिहार में तो कतई मेंटोस जिंदगी चल रही है। एग्जाम से पहले बच्चों को पोलो खिलाकर भेजा जाता है, और इन एडिशन बच्चों को बोला जाता है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनके बालक पढ़ाई करें या ना करें, लेकिन उनके परिवार वाले चढ़ाई जरूर करेंगे। किसकी चढ़ाई? देखो जरा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। नहीं। मेरी 2.5 महीने पुरानी कोका कोला से भी ज्यादा काला है इनका फ्यूचर। अब तुम सोचोगे इन्विजिलेटर्स का क्या? अगर हमारे यहाँ की बात करो तो हमारे यहाँ तो इन्विजिलेटर्स का कुछ ऐसा हाल है। और वहीं अगर बिहार में गलती से चीटिंग करते समय कोई इनविज इन शिक्षक सामने आ जाए तो पता क्या होता है? अब इतनी बकवास कर लिया तो जरा बिहार के टॉपर से भी मिल लेते हैं। दी इंग्लिश
फिजिक्स ज्योग्राफी म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, मतलब किस तरह का सब्जेक्ट है, इसमें क्या 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 चीज़ पढ़ाया जाता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में और पॉलिटिकल साइंस। खाना बनाने के बारे में। प्रोडिकल साइंस, खाना बनाने के बारे में। संजीव कपूर प्रोडिकल साइंटिस्ट। एस्केप, कंट्रोल, कंट्रोल। और ये लोग झुंड में हंगना यहीं पर बंद नहीं करते। इन मैडम का रीटेस्ट लिया गया ये जांचने के लिए कि ये सही में टॉपर हैं भी या नहीं, और वहाँ पर तो ये दर्जन किलो क्या ही है। रूबी से कहा गया कि वो तुलसीदास पर निबंध लिखे। रूबी ने निबंध की पहली लाइन लिखी, तुलसीदास जी प्रणाम। उसके आगे रूबी ने लिखा कि तुलसीदास बहुत अच्छे कवि थे। आइए जरा इनकी माता जी का भी तर्क सुन लेते हैं, तर्क सुन लेते हैं। जाती थी कॉलेज? कभी कभी जाती थी। कहे ना कि लड़की वाला बात है, तो लड़की डेली कैसे जाएगी कहूँ। कुआरी में पढ़ी थी मैट्रिक। अच्छा, क्या मैट्रिक में क्या रिजल्ट आया? सेकंड डिवीजन किया। उसके बाद मेहनत किया तब ना, उसके बाद मेहनत किया तब ना। मेरा इतनी मेहनत देखकर पुलिस को प्यार आ गया मैडम पे, और इनके साथ सेल्फी लेने के लिए दुनिया भर के जानवरों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। विश्वास नहीं हो रहा, देखो जरा। अब जरा इंटरव्यू के फौरन बाद की तस्वीरें देखिए। परीक्षा खत्म होते ही रूबी राय को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। और इतनी पब्लिसिटी पाने के बाद मिस रूबी राय को बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, और उसके बाद हर 10 में से 12 बच्चे प्रोडिकल साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं। तो इस बार सावधान और सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है। जय माहिष्मति, जय माहिष्मति। तो यार अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो समझ रहे हो ना। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर। से जो ओछता तो आइए को ना फुरुई की नो तोबिरा नंते कांतान नी याबुरारेरु दारो ना। म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। सोचा मिलेगी जब खुशियां, जब पहुंचूंगा मैं पीक पे। भागा चला जा रहा है तू इसी बस उम्मीद पे, देख ही नहीं पा रहा है सारी चीजों को तू ठीक से है। काफी बड़ी मिस्टेक है, सभी साली ट्रिक्स हैं। सैड था तू जब थे खाली 10 रुपए जेब में, आज लाखों में कमा रहा है फिर भी स्ट्रेस तेरा सेम है। नए बड़े चैलेंजेस और नए बड़े एम है, यही धोखा दुनिया चलाती है, यही सारा गेम है। कोई तेरे आगे नहीं और कोई भी तेरे पीछे नहीं, तू किसी के ऊपर नहीं और कोई भी तेरे नीचे नहीं। कंपैरिजन से भैया बस बढ़ती है बेचैनी। तू फालतू